अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वो बच्चे जो मैट्रिक पास कर चुके हैं लेकिन इंटरमीडिएट के लिए पढ़ तोड़ रहे हैं और बड़े तालीमी इदारों में खर्च अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इन लोगों का मोटो है कि लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स, अ नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी, यानी कि फ़ायदे के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई हुई है। वो बच्चे जो इंटरमीडिएट करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का जो है तरीक़ेकार अक्टूबर 2024 से लाइव होगा। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या तरीक़ेकार है, इसके लिए अभी मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ। लम्स जो कि नेशनल आउटरीच प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है, ये उन मुस्तहिक और बासलाहियत स्टूडेंट्स को आला तालीम हासिल करने के मौके फराहम कर रहा है जो माली इस्तेआत नहीं रखते हैं, उनको 100% तालीमी वजीफ़ा और इजाफी तालीमी इमदाद भी दी जाती है। जहाँ तक एहलियत का मेयार है तो वो बच्चे जो मैट्रिक पास कर चुके हैं 80% नंबरात के साथ वो दरख्वास्त दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो बच्चे जो माली इस्तेआत नहीं रखते वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तीन मराहल पे ये दरख्वास्त मुश्तमिल है। सबसे पहले जो मरहला है दरख्वास्त दायर करने का है, जो बच्चे इंटरमीडिएट करना चाहते हैं और वो तलबा जो 2024 में समर कोचिंग सेशन में आएंगे वो 2025 में दाखिले के लिए अहल होंगे। लिंक नीचे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप एडमिशन कर सकते हैं। दूसरे मरहले में जो 2 हफ्ते की कोचिंग होगी ये गर्मियों की छुट्टियों में कोचिंग दी जाएगी। इसमें आपको तमाम अखराजात लम्स की तरफ से दिए जाएंगे और तीसरे मरहले में इंटरनल एग्ज़ाम है। कोचिंग सेशन जब आप मुकम्मल करें तो आपकी जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें आप पहली दफ़ा एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करेंगे। चौथे मरहले में लम्स एडमिशन होगा। जो बच्चे कोचिंग सेशन में कामयाब होंगे वो admission.lums.edu.pk पे जाके ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे और अगर मुतय्यन करदा निसाबी तालीमी मियार पर पूरे उतरें तो लम्स नॉफ स्कॉलर भी बन सकते हैं। इन 4 स्कूलों में से किसी एक स्कूल में इनको दाखला मिल सकता है। सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस और मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल साइंसेस, सैयद बहादुर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग और शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ, इन स्कूलों में से किसी एक में इनको दाखला मिल सकता है। ये जो शोबे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें से किसी एक शोबे का इंतखाब करके आप बहुत आगे जा सकते हैं और पाकिस्तान के कल की रोशन मुस्तकबिल बन सकते हैं। उम्मीद है आप वीडियो को समझे होंगे। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, हल तलब है तो कमेंट सेक्शन में आइए। हल तलब कुछ भी ना हो तो कमेंट सेक्शन में हमें इनकरेज करने के लिए आ जाएं, क्योंकि आपकी इनकरेजमेंट ही हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। और हाँ, लाइक करना तो हरगिज़ मत भूलें और अपने दोस्तों में, उन दोस्तों में जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है और इंटरमीडिएट करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, उनको बताइए। हैव अ नाइस डे। कल तक रब रखा।